क्या भैया आपको क्या क्या लगता है इसको आना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, जो काम करेगा उसी को आना चाहिए और क्या। परिवर्तन? हाँ, मोदी से खुश नहीं है? मोदी जी से आप ही सोच लीजिए, जो बोले हैं उतना विकास किए हैं कि नहीं, आप दम डेमो अपने आप से देख लीजिए। क्या एक दो बोले थे, क्या चीज बताइए तो याद दिला दीजिए जरा। हाँ, पब्लिक को याद दिला दीजिए क्या क्या बोले थे। बोले थे नोटबंदी होगा तो फायदा करेगा। कहाँ फायदा किया, वही 2000 का नोट वही लाए और वही बंद कर दिए। फिर वही बोले थे कि 2000 का नोट 200 फीट नीचे भी रहेगा तो चिप्स है डाला हुआ उसमें आपको शो कर देगा। आज तो फिर बंद काहे को किए, आज जिसके जिसके पास है उसी के साथ डायरेक्ट निकाल लेते, फिर गरीब को लाइन में लगने का कोई जरूरत ही नहीं था। इस वीडियो में कही गई सभी बातें प्रवक्ता की निजी विचार है, चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होती है तो चैनल या चैनल के कोई भी अधिकारी इसका जिम्मेवार नहीं होंगे। 2014 के बाद कोई हिंदू मुसलमान में इतना बड़ा इशू कभी नहीं हुआ था जितना बीजेपी सरकार के आने के बाद हुआ। अच्छा, ठीक है ना, हिंदू मुसलमान को नहीं देख रहा, मुसलमान हिंदू को नहीं देख रहा है। जिसको देखिए टीवी में इंटरव्यू में, मुसलमान मुल्ला ऐसा मुल्ला वैसा, कोई उधर से बोलता है कि मुस्लिम ऐसा करता है हिंदू ऐसा करता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? सरकार इस पे ढिले की हुई है। अभी मणिपुर का कांड देख लीजिए ना, वो बाहर बैठे हुए हैं, मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया। दिल्ली में जब फर्स्ट टाइम में दंगा, इतना बड़ा दंगा हुआ था। कोई भी दंगा अगर साजिश के तहत नहीं किया गया तो एक दिन में दंगा को कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली में 3 दिन दंगा चला था, उसका रीज़न कैसे कंट्रोल कैसे नहीं हुआ? सेंट्रल में गवर्नमेंट आपका, तो फिर रुका क्यों नहीं था? 3 दिन दंगा कैसे चला था? हाँ, आप इतना करोड़ों करोड़ों का सूट पहन के चलते हैं। अच्छा, वो अरे बोल रहे हैं शेर पाले हैं तो खर्चा तो होगा ही ना। शेर? हाँ, शेर पाले, ऐसा शेर पाली है भूखा शेर की जनता ही को खा जा रहा है। भूखा शेर हो गया? हाँ, जनता ही को खा जा रहा है, पूंजीपति को छोड़ के जनता को खा जा रहा है। पैसा शेर नहीं चाहिए भैया, शेर नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बोल रहे हैं हाईवे बन गया। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, हाईवे मीन्स रोड। हाँ, रोड ही है ना। हाँ हाँ, तो आज भी कोई रोड में चलता है या कुछ करता है, आप तो रोड का टैक्स लेते ही है। हाँ हाँ, तो फिर टूल टैक्स आप क्या चीज का लगा रहे हैं? अच्छा, जब आप रोड टैक्स ले रहे हो तो टूल टैक्स क्या है सरकार का? अच्छा, टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। अच्छा, रोड टैक्स ले रहे हैं, टोल टैक्स नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये तो गलत है, टोल टैक्स गलत है। गलत है, आप पैसा उठा रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं तो टोल टैक्स आप कहे लीजिएगा? गाड़ी पे भी टैक्स ले रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे एकदम। ESTI GST सब ले ही रहे हैं और रोड वो टैक्स ले रहे हैं, जगह जगह टोल टैक्स है। यहाँ सरायकेला जाइए तो टाटा पहुँचने में 3 जगह 3 का टोल टैक्स मिलेगा। मान लीजिए कोई 50 ले रहा, कोई 60 ले रहा, 70, जब सब पैसा वही दे देगा तो गड़िया चलेगा कहाँ? क्या है, रोजगार उजगार मिल रहा है? महंगाई वगैरह है कि नहीं? आपको है, आपको लगता है रोजगार मिल रहा है? नहीं नहीं, आप बताइए, आप लोग रोजगार मिल रहा है? आपको लगता है रोजगार मिल रहा है? ना, हमको लगता नहीं, लगता मिलता है, मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है रोजगार, बिल्कुल नहीं है। और महंगाई वगैरह वो भी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और डेवलपमेंट वगैरह देश में जीरो है, डेवलपमेंट? अरे महाराज, रोड बन जा रहा है, हाईवे बन जा रहा है, वंदे भारत एक्सप्रेस और चंद्रमा में पहुंच गया, उतना दूर मत जाइए, यहाँ दिख रहा है आपको। अच्छा, चांद पे देश पहुंच गया बोल रहे हैं? बस बस, हाँ पहुंच गया। तो फिर मोदी से खुश नहीं है? मोदी जी पहुंचा दिए चांद तक, वो तो वैज्ञानिक पहुंचा दिया। मोदी का क्या औकात है? मोदी ने पहुंचाया, मोदी का क्या औकात है? मोदी जी पहुंचा दिए, पहले कभी नहीं हो पाया था, पहले कभी नहीं हो पाया था, पहले भी 2 बार प्रयास हुआ। बोला गया कि बीजेपी सरकार में बहुत काम हुआ, एम्स बनाया है कांग्रेस, 70 साल में इतना इतना डेवलपमेंट किया, लेकिन 70 साल का जीरो वैल्यू है। अभी आया है, सबसे पहले आपका बोला गया था कि ये खत्म कर देंगे, करप्शन खत्म करेंगे, ठीक है ना। जिस दिन नोटबंदी हुआ करप्शन उसी दिन शुरू हुआ। ये नोट ले लीजिए, नया नोट दे दीजिए, बाहर में इतना चला, ठीक है ना, इतना लोग मरा नोटबंदी के वजह से। सरकार क्या किया, क्या लगता था? वंदे भारत एक्सप्रेस जो चला रहे हैं मोदी जी, खुश नहीं है? वंदे भारत इधर तो नहीं है कोई ट्रेन, तो हम कैसे बोलेंगे खुश है? अच्छा, हाईवे बन गया, हम लोग के राम मंदिर बन गया? नहीं नहीं, हम लोग के यहाँ से पूरा रॉयल्टी जाता है, रेल को पूरा रॉयल्टी जाता है आयरन से, और यहाँ के लोगों को एक भी ट्रेन है, तो हम वंदे मातरम खुले बड़े लोगों को, तो हम क्यों खुश हों? खुश नहीं है मोदी जी से? बिल्कुल नहीं खुश है। तो परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन के बात नहीं है, पहले यहाँ फैसिलिटी तो दे। कौन आएगा 2024 में, कौन आना चाहिए? अब जो अच्छा काम करेगा वही आएगा स्टेट में। तो किसको मौका देंगे तभी तो काम करेगा, किसको तो देंगे? जो जीता है वो काम करे तो उसको मिलेगा। कोरोना आया, सबसे मेन मुद्दा कोरोना आया। कोरोना किस वजह से आया? ट्रेन से। किस वजह से? वही चीज पूछ रहे हैं, ट्रेन से तो आया नहीं है। हाँ। विदेश का है। हाँ। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बाई प्लेन आया होगा। हाँ, हाई प्रोफाइल जितना भी लोग था उसको बाई प्लेन बुलाया गया, उसको वहाँ पे रखा गया था।
उसको क्वारंटाइन किया गया था, नहीं किया गया, उसको आने दिया गया, क्यों? क्योंकि वो पैसा वाला था। तो कोरोना लाने का जिम्मेदार कौन है? सरकार को मुफ्त में टीका दिया गया, कोरोना का वैक्सीन दिया गया। आप एक बात बताइए, आपको हम बीमारी दे देंगे और उसके बाद बोलेंगे इंजेक्शन मेरे पास है ले लीजिए, तो आप लेना पसंद करेंगे? नहीं, वो तो नहीं है, नहीं ना करेंगे। तो फिर जब कोरोना बाई प्लेन आ रहा था लोग, तो उसको रोका क्यों नहीं गया? नहीं, क्या बदला होगा, देख रहे हैं ना अभी हालात। क्या हालात, कैसे हालात? अरे गरीब लोग, कोई लोग को चावल नहीं मिल रहा है, महंगाई का हालात है, बंद कर दिया है, गरीब लोग परेशान है सब। इतना बोल रहा है कि नहीं, मोदी जी सांसद हैं, बोल रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो लोग जिंदा है इसीलिए खिला रहे हैं। कहाँ, अभी तो महीना भर से बनता है, जाके चांद में उड़ रहा है, नीचे देखो आदमी को भैया, चांद चांद तक पहुंच गया देश, बोल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, चांद तक पहुंच गया तो बहुत खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है, मगर यहाँ इंडिया डेली भुखमरी मर रहा है, इन्हें मालूम है। आपको तो हमसे ज्यादा नॉलेज है ना भैया, डेली आपको हमसे ज्यादा, आप तो हमसे ज्यादा ज्ञान है। नहीं देखिए, हम लोग पब्लिक का ज्ञान लेते हैं, अपना ज्ञान नहीं देते। मेरा बोलने का मतलब है, चांद में पहुंच गए तो हम लोग को सौभाग्य की बात है, इससे बड़ा और खुशी की बात कुछ नहीं है। मगर मेरा बोलने का ये मतलब है कि पहले अपना देखेंगे ना भैया, पहले पृथ्वी देख ले, उसके बाद चांद भैया, उसके बाद चांद पे जाएंगे हम लोग, दूसरा के बारे में सोचेंगे। पहले अड़ोस पड़ोस को देख ले, इसके बाद ही हम लोग बाहर वाला को देखेंगे ना। चांद पे रोजगार मिले कि नहीं? चांद पर क्या रोजगार मिलेगा? मोदी से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, परिवर्तन चाहिए, कौन आना चाहिए फिर? कांग्रेस हम फिर से चाहेंगे, कांग्रेस आना चाहिए। मिसाल बताया जा रहा है बीजेपी का कि 9 साल बेमिसाल, क्या लगता है 9 साल में क्या क्या काम हुआ? सिर्फ जो है धोखेबाजी, इसमें धोखेबाजी, बिल्कुल धोखेबाजी बोलेंगे इस चीज को। हाँ। जो बीजेपी का जो सरकार है, सिर्फ लोगों को ठगा है ये। अच्छा, समझे ना, और हाईवे बना, राम मंदिर बना, उसका 370 हटा, ट्रिपल तलाक हटा, और तमाम जो इतना काम हुआ। देखिए, असल मुद्दा जो है विकास का। हाँ हाँ। और रोजगार का। हाँ। तो असल मुद्दा पे ही बात होना चाहिए। हाँ। जो रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, असल चीज तो ये है, बाकी सब चीज तो ये सबसे ध्यान हटाने वाला चीज है। अच्छा अच्छा। कोई भी आज के डेट में देखिए रोजगार का स्थिति कितना खराब हो चुका है, हर जगह रोजगार का स्थिति खराब है। क्या था पकौड़ा तलना रोजगार बता रहे की, पकौड़ा तलना भी तो रोजगार है, क्या लगता है आपको, पकौड़ा तलना रोजगार है कि नहीं? मंगल का है, कुछ नहीं। तो आप लोग भी तो है ना रोजगार, देश में तो है ना, देश का सरकार का बात हो रहा है। देश तो सरकार पूरा बेच दिया, सब तो बेच दिया, सब बेच दिया, तो क्या किया, सब महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगा, सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हो गया जी। हाँ, सस्ता हो गया तो 1200 रुपए तो कर दिया। अच्छा, इधर देखिए कितना किया, 400 का जगह में 1200 कर दिया, 200 रुपए सस्ता हो गया अभी, 200 रुपए फिर बढ़ाएगा, जैसे पास करेगा फिर बढ़ा देगा, चुनाव के लिए सस्ता, चुनाव के लिए सस्ता हुआ, फिर वही रेट हो जाएगा, हो सकता है इससे और ज्यादा बढ़ जाए, और बढ़ जाएगा, सब बिल्कुल बढ़ेगा। पेट्रोल का दाम देखिए कितना सस्ता बोल करके और ज्यादा बढ़ते जा रहा, 100 रुपए से कम होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा, अभी जो वो विस्फोट हुआ था, क्या पुलवामा, पुलवामा पुलवामा जो विस्फोट हुआ था, वो जो बाहर से आया तो किस बेसिस में आया, कैसे आया, इतना सिक्योरिटी टाइट रहता है? आप जब काफिला लेके निकलते हैं तो 5-5, 7-7 किलोमीटर तक को पहले क्लियर करवाते हैं, ठीक है ना? तो इतना बड़ा जो विस्फोट हुआ और इतना शहीद हुआ जवान, और उसका लेकर के आपके मुंह से तो कुछ निकलता नहीं, इतना बड़ा मणिपुर में कांड हुआ, आप कुछ नहीं बोले, बोले सर्जिकल स्ट्राइक करवाए हम पहली कुछ बार। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक के अगर बोला जाएगा तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसका कुछ तो होगा ना, फुटेज वगैरह आप बोल दीजिएगा और पब्लिक मान लेगा, तो सब पब्लिक चूतिया नहीं बैठा होगा कि आप बोलिएगा कि मोदी मोदी करिए, हम इधर लेते जा रहे हैं आपको बढ़िया से, और मोदी मोदी करते जाइए, वैसा नहीं चलेगा देश। देश चलाने के लिए आम पब्लिक को लेकर चलना पड़ेगा, आप आम पब्लिक को लेकर नहीं चलते हैं।